नमस्कार, मैं रवि यादव आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने इस खास कार्यक्रम दिशा वार्ता में। दिशा वार्ता में हम आप सभी की समस्याओं और जिज्ञासाओं को लेकर के आते हैं, उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं परम पूज्य राष्ट्रीय संत राम गोपाल दास जी महाराज। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है हमारे इस खास कार्यक्रम में। दोस्तों, आपने देखा होगा कि व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज होता है, समाज से जिला, राज्य और राष्ट्र का निर्माण होता है। और व्यक्ति की सोच इतनी महत्वपूर्ण राष्ट्र के लिए होती है कि जिस तरीके की सोच होगी व्यक्ति की, उसी तरीके का एक राष्ट्र का निर्माण होता है। तो व्यक्ति का सोच राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान होता है। उसकी सोच का, व्यक्ति का सोच कैसा होना चाहिए? कहा जाता है कि वो बहुत नकारात्मक व्यक्ति है, उसकी सोच बहुत सकारात्मक है, सोच पर ही उसके सारे क्रियाकलाप होते हैं। तो आज हम उसी विषय को लेकर के महाराज जी से जानेंगे कि व्यक्ति की सोच कैसी होनी चाहिए। वो अगर नकारात्मक सोच है तो सकारात्मक कैसे कर सकता है? सवाल ये उठता है कि व्यक्ति तो सोचता है, जो व्यक्ति करता है वो अपने हिसाब से अच्छा ही करता होगा, हमें आपको बुरा लगता होगा, लेकिन ये भी सत्य है कि जो बुरा है वो तो बुरा ही है, जो अच्छा है वो अच्छा है। इन्हीं सब विषयों को लेकर के हम महाराज जी के बीच में बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला मेरा सवाल यही है महाराज जी कि व्यक्ति की सोच किस प्रकार से होनी चाहिए? आप प्रातः कोई भी हर इंसान का एक नियम होता है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती। सबसे पहले हम प्रातः उठें तो भगवान का ध्यान करें, भगवान की पूजा पाठ करें, और सबसे पहले हर मनुष्य के लिए गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि गायत्री मंत्र है 24 अक्षर इसमें विद्यमान है, 24 अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। और इस गायत्री मंत्र में सभी देवी देवता विराजमान है। लोग कहते हैं 24 अवतार हुए भगवान के, इनके 23 हो चुके हैं, 24वां कल की अवतार होना है भगवान का। तो 24 अक्षर गायत्री में, गायत्री के अक्षर से ही नारायण भगवान के 24 अवतार हुए हैं। जैसे कि कहते हैं ब्रह्मा जी समुद्र की नाभि, कमल, कमल की नाभि से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ, पर कहते हैं कि कमल कहां से आया, इस संसार कहां से आया? तो चलो ठीक है, नारायण ने समुद्र बनाया, समुद्र से यह पूरा संसार बना, सृष्टि बनी, लेकिन नारायण की भी तो कोई माँ होगी। तो नारायण की माँ जो है वो है गायत्री माँ। कहते हैं जब 13वीं होती है इंसान की, मनुष्य की जब 13वीं होती है, तो कहते हैं 13 ब्राह्मण जमाइए। तो कौन से 13 ब्राह्मणों का भोग लगता है? 13 ब्राह्मण वही चाहिए जो गायत्री का जाप करते हो, जो गायत्री का पाठ करते हो। गायत्री वह शक्ति है। तो मनुष्य के गायत्री मंत्र कब पढ़ना चाहिए महाराज जी, और कितनी बार पढ़ना चाहिए व्यक्ति को? गायत्री मंत्र कम से कम 108 बार पढ़ना चाहिए, कम से कम, और नित्य पढ़ना चाहिए। जैसे कोई बच्चे हैं जिनकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, किसी के घर में क्लेश, लड़ाई, ये सब झगड़ा हो रहा है, और आपस में पति पत्नी में नहीं बन रहा है, अगर सच्चा इंसान, सच्चा मनुष्य बनना चाहता है, तो उसका हर इंसान का कर्तव्य यही है कि गायत्री का जाप करे, गायत्री का पाठ करे, गायत्री पुरुषरण करे। गायत्री पुरुषरण होता है, और गायत्री पुरुषरण जो इंसान कर लेता है, कहते हैं 6 माह में 24 लाख गायत्री जाप करनी पड़ती है, और जो इंसान कर लेता है तो कहते हैं इस उस इंसान को हर चीज दिखने लग जाती है, दीवार के उस पार का दिख जाएगा कौन व्यक्ति आ रहा है। तो गायत्री पुरुषरण का एक बहुत बड़ी शक्तिशाली है गायत्री पुरुषरण से। तो हर इंसान को गायत्री जाप करना चाहिए। जब हर इंसान गायत्री जाप करेगा तो मनुष्य की जो सोच है वो सुंदर हो जाएगी, क्योंकि ये गायत्री मंत्र इंसान की जो 10 इंद्रिय होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं, 5 कर्मेंद्रिय होती हैं, गायत्री मंत्र इंसान की इंद्रियों को रोक लेता है, बाहर नहीं जाने देता है। इंसान जो सोचता ना, गलत विचार करता है, किसी का कार नहीं चल रहा हो, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो, फेल हो रहे हो, हम पास नहीं हो रहे हो, तो हर इंसान अगर गायत्री का जाप करेगा तो ये जरूर विश्वास से मैं कह सकता हूं कि वह इंसान कभी दुखी नहीं रहेगा। मनुष्य की जो सोच है वो सुंदर, गायत्री मंत्र ही सोच सुंदर बना सकती है। जो जाप संख्या बता रहे हैं कि दिन में इतनी बार होनी चाहिए, 6 माह में इतनी बार अगर होगा तो व्यक्ति जो है इस दीवार से उस दीवार क्या है वो भी देख सकता है, तो जाप संख्या महत्वपूर्ण है या इसके साथ भाव भी महत्वपूर्ण है? देखिए, सबसे पहले तो निर्मल मन जन सो मोह पावा मोहे कपट छल क्षेत्र न भाव। सबसे पहले कोई सिद्धि, कोई साधना अगर हम आप लोग करते हैं तो सर्वप्रथम उसमें क्या होना चाहिए,
आपकी सोच सुंदर होनी चाहिए, सोच खराब नहीं होनी चाहिए। हम किस लिए कर रहे हैं? सबसे पहले हम जन कल्याण के लिए हम गायत्री महायज्ञ करें, गायत्री मंत्र जाप करें, गायत्री का अनुष्ठान करें। तो आपने जो बताया कि गायत्री की संख्या, देखिए गायत्री की संख्या तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि बिना संख्या के कुछ नहीं होता है। जबकि संख्या होती है, चाहे यथाशक्ति करेंगे तो उसकी भी संख्या के यथाशक्ति में हमने कितना जाप किया है, यानी कि यथाशक्ति है। लेकिन हम जब कोई ब्राह्मण माला लेके जाप करता है तो उसकी यथाशक्ति लिखी जाती है, लेकिन उसका भी काउंट किया जाता है कि उन्होंने जाप कितना किया। जैसे कि 1,25,000 जाप आपने सुना होगा कि काल सर्प योग दोष में 1,25,000 जाप करना चाहिए महामृत्युंजय मंत्र का, और वो भी 6 ओम वाला, ओम होम जुम शाह, ओम भूर्वश्वा, ओम त्र्यंबकम् यजामहे, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुकम इव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय महामृतात् ओम स्वा भुआ भू ओम सा जुम होम ओम, ये महामृत्युंजय का मंत्र है। तो कहते हैं 1,25,000 जाप करने से ही काल सर्प योग का दोष का निवारण होता है। तो उसी प्रकार गायत्री का, गायत्री मंत्र की मंत्र का जाप करने से आपकी संख्या भी होनी चाहिए, संख्या से ही सब कुछ होता है। अच्छा मान लीजिए महाराज जी, व्यक्ति को आपने 108 बार बताया दिन में, जी कम से कम, कम से कम 108 बार, जी 108 बार करने से जो भी फायदे हों जी वो एक अलग बात है, लेकिन व्यक्ति शुरुआत उसको लगेगा 108 बार है तो बोझिल टाइप का है, तो शुरुआत कैसे करनी चाहिए? हमने ये भी सुना है कि कम से कम आपको गायत्री मंत्र अगर करते हैं तो 3 बार 5 बार 7 बार इस तरीके से करना चाहिए। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन सही क्या है, उसको कम से कम में कैसे शुरुआत करना चाहिए? देख कम से कम में है तो गायत्री मंत्र कम से कम 7 बार करें। जैसे हम जब यज्ञोपवीत धारण करते हैं, कोई ब्राह्मण यज्ञोपवीत पहनता है तो सर्वप्रथम 7 बार गायत्री मंत्र का पाठ करके यज्ञोपवीत पहना जाता है। हम उस गायत्री को पहन रहे हैं तो कम से कम 7 बार है। लेकिन गायत्री जाप की जो एक माला है 108 बार जो मंत्र हम लोग जाप करते हैं, तो अगर कोई पहली बार करेगा तो 7 मिनट 8 मिनट तक एक माला हो जाएगी, 108 बार कर लेगा वो। और जब वो कंटिन्यू करने लगेगा, रेगुलर करने लगेगा, नित्य करने लगेगा, तो उस माला में लगेगा उसको फिर वो शांति मिलेगी, और 3 मिनट में एक माला हो जाती है, 3 से 3.5 मिनट में एक माला होती है 108 बार जाप कर लेते हैं। ये तो हुई महाराज जी सोच की बात, सोच से ही जैसे भजन हो गया, सत्संग हो गया, प्रवचन हो गया, इस तरीके के जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं जिसमें आपकी कथाओं में भी हमने देखा है कि काफी भीड़ होती है, काफी लोग आते हैं और बड़े ही ध्यान से आपकी कथाओं को सुनते हैं, इन कथाओं का व्यक्ति के सोच पर क्या प्रभाव पड़ता है या क्या प्रभाव आप डालना चाहते हैं? देखिए श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम करो, भागवत एक रस है, भगवान की कोई भी कथा है वह रस है। कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम मुहु रहो रसका भूई भावुका। तुलसीदास जी ने यह कहा है, रामचरित जे सुनत हगाई रस विशेष जाना तिन नाही। राम की कथा के जैसा दूसरा रस इस संसार में कोई है नहीं और ना ही हो सकता है। भागवत की कथा सुनने से इंसान को सुधरना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि हजारों लोग आ रहे हैं, हजारों की संख्या में अगर भागवत कथा में भीड़ आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल, और मैं ये कहता हूं कि 1,000 में से अगर एक सुधर गया तो कथा का सही फल प्राप्त हो गया, उस कथा का, कथा करने का आनंद आ गया। अगर 1,000 में से एक लोग सुधरता है तो इस भारत में हजारों कथा हो रही हैं, तो एक दिन में हजारों लोग सुधर सकते हैं। लेकिन उस कहते हैं कि जो लॉटरी खुलती है तो 100 नंबर में से 1 नंबर लकी होता है, तो वैसे ही भागवत कथा हर इंसान को पूरी तरह सुनना चाहिए। 4 घंटे तो 4 घंटे में 1 मिनट भी हमारा ध्यान उधर को उधर नहीं होना चाहिए, कौन सी कथा हमारे हृदय में उतर जाए और वो बात हमें लग जाए। एक ही शब्द होता है जो व्यक्ति को बदल देता है, भविष्य बेड़ा पार करा देता है। एक बूंद, कहते हैं हजारों लीटर दूध में एक बूंद खट्टी अगर आप डाल देंगे तो पूरा का पूरा दूध फट जाएगा, दही बन जाएगा। उसी प्रकार इंसान के अंदर जब कथा सुनने बैठे हुए इंसान, वह मनुष्य, तो अपने गुरु का ध्यान करते हुए सिर्फ यह सोचे कि मैं एक साधना कर रहा हूं और इस साधना में मुझे सिर्फ सुनना है, और सुनने के बाद में अगर उसने अपने जीवन में एक दिन की 1 मिनट में अगर वो 1 मिनट की कथा ही अपने अंदर हृदय में उतार ले तो उससे भी उसका भविष्य बेड़ा पार हो जाएगा। गुरु चुनने से सोच पर क्या प्रभाव पड़ता है?
आत्मनाम का चुनाव कैसे करें, गुरु किसको बनाएं और क्यों बनाएं? आत्मनाम गुरुर्नामा नामातिक परस्य, आत्मा से गुरु का नाम नहीं लिया जाता है, लेकिन कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु तीन प्रकार के होते हैं, एक लक्कड़ गुरु रहता है, एक फक्कड़ गुरु रहता है और एक ज्ञानी गुरु रहता है। इन तीनों की जो कैटेगरी है वो अलग अलग है। देखिए जैसे कि एक कोई इंसान है वो गुरु दीक्षा लेकर के रखा है, अब पता चलेगा कि गुरु सही कौन है। जैसे कोई इंसान आया उसका झगड़ा हो गया, गुरुजी के पास गया, बोले गुरुजी मेरा झगड़ा हो गया, आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है, आप बताइए मुझे। अगर गुरु फक्कड़ गुरु होंगे तो कहेंगे लो बेटा लो तलवार लो और ले जाओ उसको मार के आओ सामने वाले को। तो एक हो गया फक्कड़ गुरु, फेंकना चाहता है बस गुरु से पैसा छीनते रहे, गुरु से चेले से मुझे सब कुछ मिलता रहे, और वो होते हैं लालची गुरु, तो चेले को बस लूटना है और कुछ नहीं करना है मुझे, उससे बस माल मिलता रहे और हम उसको फक्कड़ की तरह उसको बताते रहे बेटा आज नहीं सिखाएंगे कल तुम्हें शिक्षा हम देंगे, आज दिन ठीक नहीं है बेटा लो पैसे लो जाओ कचौड़ी समोसा लेके आ। तो ये होते हैं फक्कड़ गुरु, इनको आता जाता तो कुछ नहीं है बस फेंकना है, बस चेला फंसा रहे मेरे हाथ से ना निकल जाए, उसको लालच देते रहे बेटा सब ठीक हो जाएगा तेरा। अच्छा एक गुरु होते हैं ज्ञानी गुरु, अगर झगड़ा हो गया आपके गुरुजी ऐसी ऐसी बात तो गुरुजी कहेंगे बेटा ओम शांति बैठ जाइए चलो बेटा जाप करो जो होना था सो हो गया, तुझे लड़ने से क्या मिलेगा तुझे। जैसे ध्रुव जी को सप्त ऋषियों ने बताया कि भैया तुम्हारे उत्तम का किसी ने वध कर दिया है तो तुम इस शस्त्र लेकर के क्यों जा रहे हो, ब्राह्मण और साधु और संत के हाथ में शस्त्र शोभायमान नहीं है शास्त्र शोभायमान है। उसी प्रकार गुरु का भी पता चलता है, सबसे अच्छा गुरु होता है तो वो होता है लक्कड़ गुरु, लकड़ी। आपने देखा होगा पानी में लकड़ी नहीं डूबती है, क्यों नहीं डूबती है? इसका एक कारण है क्योंकि जल ही उस वृक्ष को पानी देता है और वृक्ष बड़ा होता है और जब वृक्ष बड़ा हो जाता है तो उसी जल ने तो उस वृक्ष को बढ़ाया है और उस वही जल उस लकड़ी को कैसे डुबा सकता है, इसलिए लकड़ी कभी जल में डूबती नहीं है क्योंकि जल ने ही बढ़ाया है उसको, इतना बड़ा किया है। तो जीवन गुरु होना चाहिए लकड़ी की तरह, नौका जो नौका होती है ना कहते हैं बामो नैना आपके नौका के आधार, और जो इनमें बस गया तो हो गया भविष्य पार। तो लकड़ी रहती है ना नौका, तो नौका अपने यात्रियों को इस पार से उस पार उतार देती है पर वही लकड़ी उसी जल में डली रहती है। तो ऐसे कई गुरु होते हैं, नौकरी वो 4,000 के ही कर रहे हैं पर उनके पढ़े हुए विद्यार्थी हजारों करोड़ों रुपए छाप रहे हैं ले रहे हैं उसी गुरु के पढ़े हुए। कहते हैं गुरुजी ने तो पढ़ाया चलिए 10,000 मिल रही है मुझे नौकरी पर, उसी गुरु का पढ़ा हुआ विद्यार्थी डीएम आईएएस पीसीएस कुछ ना कुछ बड़ा डॉक्टर बन के निकल गया। तो सच्चे गुरु होते हैं लकड़ी की तरह। अब गुरु की पहचान ऐसे कहते ऐसे होती है कि पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के, गुरु को जान के ही बनाना चाहिए, गुरु को लालची नहीं होना चाहिए और जाना माया में भी नहीं होना चाहिए और जाना बात वगैरह भी नहीं करता हो, गुरु अपनी साधना में रहता हो, ऐसे गुरु की पहचान करें। और गुरु की पहचान सही यही है कि वह बात किस प्रकार करता है। ये तो पहचान की बात होगी, सोच पर क्या प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के? देखिए गुरु अगर आप गुरु दीक्षा लेते हैं तो कहते हैं सोच ऐसी होना चाहिए, कहते हैं मननाथ मंत्र रमनते योग मंत्र। नारद जी जब पार्वती के पास गए और पार्वती जी के पास इसलिए गए कि संसार में श्रीमद् भागवत कथा कैसे आगे बढ़ेगी, तो नारद जी गए तो नारद जी ने यह सोचा कि मां भगवती से मिलना चाहिए और इस कथा को थोड़ी सोच को हम आगे बढ़ाएं। तो जैसे कि नारद जी गए पार्वती से मिले तो पार्वती जी ने कहा बैठिए नारद जी, तो नारद जी ने कहा हमारे आपसे तीन रिश्ते हैं, पहला रिश्ता यह है। नारद जी ने कहा कि आप मां हो, पार्वती माँ है, संसार की माँ है आप। दूसरा रास्ता यह है कि आप हमारी शिष्य हो क्योंकि मैंने ही आपको आपका हाथ देखा और आपके लिए ऐसा वर बताया कि आपको भोलेनाथ जी मिले। और तीसरा रास्ता यह है कि हम आपके पुत्र हैं, आप जगत जननी माँ हो।
तो इस संसार में कहते हैं कि लोग मिथ्या प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम नहीं करते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिरना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। तो पार्वती जी से जब इस प्रकार कहा तो पार्वती जी ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, इस संसार में सब सच्चा प्रेम करते हैं और प्रेम का ढाई अक्षर होता है सत्य। अगर पति पत्नी में प्रेम है तो कैसा प्रेम, बोलो सत्यता का प्रेम है तो सही प्रेम है, नहीं तो प्रेम नहीं है पति पत्नी में। तो नारद जी ने पूछा आपको आपके स्वामी जी सब बताते हैं, तो पार्वती ने कहा हाँ सब बताते हैं। उन्होंने तो इतना भी बता दिया कि गुरु मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए, मुझे गुरु मंत्र बताया, मुझे गुरु मंत्र मुझे बता दिया मेरे भोलेनाथ जी ने, इतना सच्चा प्रेम करते हैं। तो गुरु मंत्र से इंसान के लिए मोक्ष की प्राप्ति होती है, इंसान की सोच बदलती है। सोच किस प्रकार बदलती है, जैसे कि किसी के घर में किसी का जन्म हो जाए या किसी की मृत्यु हो जाए तो कहते हैं सूतक लगता है, जन्म पर 3 दिन का सूतक लगता है, और किसी के यहां किसी का देहांत हो जाए तो कहते हैं 13 दिन 10 दिन का सूतक लगता है। और अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम है, किसी के यहाँ अलग अलग परंपराएं, कहीं महीने भर का भी सूतक लगता है, कहीं 10 दिन का लगता है, कहीं 10 गाय भी लगता है। तो कहते हैं जिस समय किसी के यहाँ सूतक लग जाए तो कोई भी मंत्र जाप करने का अधिकार नहीं मानते हैं, मंदिर नहीं जाने देते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इंसान के लिए ऐसा कहते हैं, हर मनुष्य जीव प्राणी के लिए ऐसा कहते हैं कि अंतिम समय में जब उसके प्राण निकल रहे हो तो उस समय भगवान का जाप करना चाहिए, भगवान का अनुष्ठान करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। तो आप हमें ये बताइए आप सभी लोग कि जिस समय उसके यहां पर सूतक लगी लग चुकी है, अगर वह मंत्र जाप नहीं करेगा, उसी के घर में किसी का और देहांत होने वाला है और अंतिम समय में भगवान का नाम नहीं लेगा तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे करेगा। लेकिन ये परंपराएं तो आज की नहीं है, तो परंपराएं बहुत पुरानी है, और परंपराएं हैं के पीछे कोई ना कोई सिद्धांत, कोई ना कोई सिद्धांत। देखिए सिद्धांत के लिए हम देखे जाए तो जैसे कि ये सूतक में हम कोई जाप नहीं कर पाते हैं, तो इसका एक है वो ओनली सिर्फ गुरु मंत्र है। किसी के यहां भी कोई भी सूतक लगा हुआ हो, आपने स्नान किया हो या नहीं भी किया हो, आप स्नान करेंगे तो शरीर की शुद्धता करेंगे, मन की शुद्धता कहां से होगी। जैसे कि भोजन की पूर्ति, भोजन जो होता है वो पेट के लिए होता है, शरीर के लिए होता है, और कहते हैं आत्मा की जो पूर्ति होगी, आत्मा को जो भूख लगती है वो भजन ही दूर कर सकता है, शरीर को भूख लगती है भोजन दूर कर सकता है। उसी प्रकार इस संसार में इन चीजों को लेकर के हम अपने इस शरीर को आगे बढ़ाते हैं, तो इसी जीवन में हम सुख और समृद्धि की जो कामना करते हैं वो भगवान के नाम से ही होगी, और हमारी सोच भगवान के नाम से ऑटोमेटिक बदल जाती है। जैसे हम सुमेरु मुद्रा में बैठते हैं, कोई ध्यान करते हैं, तो उससे हमारी सोच हो गई कि हम भगवान के पास में बैठे हुए हैं। हम कहते हैं कि सांवरा निकट खड़ा हो तब प्राण तन से निकले, कहते हैं वंशी वट का वट हो तुलसी दल मुख में हो, गंगा जल मेरे मुख में भरा हो तब प्राण तन से निकले, तब प्राण तन से निकले, लोग ऐसा कहते हैं। तो उसके लिए सिर्फ ओनली गुरु मंत्र है, भले स्नान किया हो नहीं किया हो, किसी भी अवस्था में रहे, जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, जिस ढंग में जिस संग में किसी भी अवस्था में रहो, सिर्फ राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। हम झूठे ही सही, हम जैसे भी हैं, हे भगवान हम हैं तो आपके, इस शरीर भी उन्होंने बनाया है, आत्मा भी उन्होंने की है। तो हमारा सोच तभी हमारी चेंज होगी जब हम भगवान के शरण में जाते हैं, हम मंदिर में जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आपने भी देखा होगा, आप किसी महापुरुष को प्रणाम करते हैं तो अंदर एक ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, क्योंकि उन्होंने जाप किया हुआ है। प्रणाम करने का तरीका क्यों है कि हम उनको भैया प्रणाम जो करें तो मस्तक झुका के करें, ये तरीका क्यों ऐसा लोग कहते हैं, क्योंकि उनकी जो जो ऊर्जा है, उनके पास जो भजन की पूंजी है, उनको प्रणाम करने से हमारे शरीर में भी वह ऊर्जा आ जाए। जैसे तार जो करंट का रहता है, एक तार करंट वाले तार में हम स्पर्श कराते हैं तो सारे उस तार में करंट आ जाता है, उसी प्रकार मनुष्य की सोच चेंज हो जाती है सिर्फ प्रणाम करने मात्र से।
अगर माता पिता की सेवा जो लोग नहीं करते हैं, अगर सेवा शुरू करते हैं तो उसका करना चाहिए, लोग करते भी हैं, लेकिन जो नहीं करते हैं वो उनकी सोच होती है जो नहीं करते हैं। यस यस। तो सोच बदलने में कितना बड़ी भूमिका होती है माता पिता की सेवा? देखिए, कोई भी माता पिता संसार के कोई भी माता पिता ये नहीं चाहते हैं कि हमारा पुत्र दुखी रहे। हर माता पिता चाहते हैं कुपुत्रो जायता कुचितपि कुमाता न भवति, मत समापात की नाति पापक ने समा नहीं। मां के जैसा कोई पापक नहीं है और बेटे के जैसा कोई पापी नहीं है। बेटा पाप करता है और मां बेटे के पाप को नाश कर देती है, समाप्त कर देती है, भूल जाती है। क्योंकि कहते हैं कि इस संसार में मां और बेटे का जो रिश्ता होता है वो गहरा रिश्ता होता है, जिससे कई लोग ये करते हैं कि अपने माता पिता को तो भोजन नहीं देते हैं और तीर्थों पर भंडारा कराते हैं। तो आप जो तीर्थों पर भंडारा करा रहे हैं, चारों धाम में भंडारा करा रहे हैं, उसका कोई लाभ नहीं है। अगर आपके माता पिता भूखे हैं, आपके माता पिता 4 दिन से भूखे हैं, और अगर आप हजारों करोड़ों लोगों को भंडारा करा रहे हैं तो उसका कोई फल प्राप्त नहीं है। कि तुझे जिसने जन्म दिया है वो तो 4 दिन से भूखी है और तू चिल्ड पानी बांट रहा है, पानी दान कर रहा है, कोई लाभ होने वाला नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती, मां की बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। एक मां झाड़ू पोछा बर्तन मांझ करके 4-5 बच्चों को पाल लेती है, पर 4-5 बच्चों से एक मां नहीं पाली है। मौत हर खुशी का रंग लहदा नहीं होता, मौत का रंग लहदा नहीं होता। मौत से डर जाती हम सब की मां तो बेधड़क इस संसार में कोई पैदा नहीं होता। कितनी तकलीफ होती है जब मां अपने बच्चे को जन्म देती है। तो बेटे का भी यही उसका सही कर्तव्य है, उसका सही पालन यही है। हर मनुष्य का, हर बेटे का, कहते हैं कि बेटा जो होता है तो मां कहती है कि बेटा जब छोटा रहता है तो बेटा अपने पिता की उंगली पकड़ करके चलता है, और जब बेटा पहली बार बोलता है पापा या मां तो माता पिता को बहुत अच्छा लगता है कि जीवन की सारी खुशी हमें मिल गई। लेकिन वही बेटा बड़ा हो जाता है, वही माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो कहते हैं जब माता पिता खांसते हैं तो वही बेटा कहता है पिताजी यहां मत खांसो, यहां रिश्तेदार आने वाले हैं, गेस्ट आने वाले हैं, तुम यहां पर खांस रहे हो, पीछे चले जाओ, स्टोर रूम वहां बना हुआ है उसमें आप लेटे रहो और आप वहीं खांसते रहना। तो जिस पिता ने तुम्हारी आवाज को सुनने के लिए खुशी से नाचता था, आज तुम उसी पिता से, संसार के बेटे कहते हैं पिताजी यहां पर मत बैठो, पीछे बैठो। हमारे परंपरा में आठवें नवरात्रि से पहले जो एक पितृपक्ष आता है, पितृपक्ष में हम लोग क्या करते हैं कि माता पिता के नाम से भोजन कराते हैं। 50 ब्राह्मण को करा लिया, नान दिस्त्रात करा लिया, भैया पिंडदान करा लिया। लेकिन एक बात याद रखें सभी लोग, अरे तुमने जीवन भर अपने माता पिता के लिए भोजन नहीं दिया और वो मर गए, उसके बाद में तुम भोजन करा रहे हो, क्या लाभ है? पहले जीवित माता पिता की सेवा करें। कहते तो ऐसा है, आप लोगों ने सुना भी होगा कि हर पुराण के आगे श्री लिखा हुआ है, हर भगवान देवता के आगे देवियों का नाम लिखा हुआ है। कहते हैं पति से बढ़कर कुछ नहीं होता है, पत्नी से बड़ा पति होता है, पर हमारे पुराणों में सबसे पहले स्त्री का नाम लिखा हुआ है, तुमेव माता च पिता तमेव। लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, सीताराम, राधे श्याम, स्त्री का नाम सबसे पहले इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जगत जननी में अगर स्त्री अगर ठीक नहीं है तो संसार की स्थिति भी ठीक नहीं है। क्योंकि दुनिया दुखी होती है अपने दुख से होती है, माता दुखी होती है तो अपने पुत्र के दुख से होती है, माता सुखी होती है तो अपने पुत्र के सुख से होती है, और दुनिया सुखी होती है तो अपने कारण से सुख से होती है। चलिए मनासे जी, आप इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दे रहे हैं, समिया भाव की वजह से हम इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, लेकिन जो अमृतमयी वाणी आपने हमारे दर्शकों को दिया वो वाकई में जो है, मैं कहता हूं कि महाराज जी ने इतनी बड़ी बातें बताई, इतनी कई कई विषयों पर हमने जानने का प्रयास किया सोच को लेकर के, मैं कहता हूं कि हो सकता है कि 10 विषयों में से अगर एक भी आपको लगे, एक शब्द भी आपको लगे तो वही बात है कि यह कार्यक्रम मैं समझूंगा कि सफल है।
आप सबकी प्रतिक्रियाएं बहुत आ रही हैं कि यह कार्यक्रम अच्छा है, जो आप लोगों की समस्याएं जिज्ञासाएं हैं वो समाधान हो रहे हैं, और आप लोग नए नए जिज्ञासाएं हमें आप भेजते हैं, उनको भी हम अपने इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। तो आज के विषय को हमने सोच को रखा। वाकई में हमें यही बस कहना है एक लाइन में कि एक युवती अगर जाती है तो हमारी सोच किस तरीके से होती है, उसके पहनावे, उसके वदन से लेकर सब कुछ पर ध्यान होता है। लेकिन वहीं अगर एक सड़क पर अगर हमारी बहन या हमारी कोई अपना निकलता है तो हमारी सोच कैसे बदल जाती है, वहीं युवती के प्रति कैसा होता है, वहीं अपने लोगों के प्रति कैसा हो जाता है। तो ये कुछ नहीं होता है, केवल सोच होता है। अगर हमारी सोच सकारात्मक होगी, हमारी सोच पवित्र होगी, हमारे भाव अच्छे होंगे, तो मैं समझता हूं कि हमारा परिवार, हमारा राष्ट्र, हमारा देश जो है वो एक अच्छा होगा। बस सोच ही है जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो आज महाराज जी आपने इतना समय निकाला और इतनी अच्छी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। जय श्री कृष्ण। समस्त लोगों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। राधे राधे।